यूपी UMS नर्सिंग ऑफिसर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स थे कि कंपेटिंग इसकी आएगी या नहीं आएगी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और यूपी UMS का जो फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो ज्वाइनिंग है उसमें काफ़ी लोगों को इश्यू देखने को मिल रहे हैं, तो चलिए हम चर्चा करते हैं उसके बारे में। बहुत बड़ा अपडेट सभी के लिए, जैसा आप सब लोग देख पा रहे हैं साथियों, यूपी UMS के द्वारा जो ज्वाइनिंग का इश्यू है वो कुछ इस प्रकार से है, और आपको क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। देखिए, अगर इसकी बेटिंग की बात किया है दोस्तों, तो यूपी UMS की बेटिंग में काफ़ी कैंडिडेट्स रह गए हैं, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया ये था कि कैटेगरी वाइज का, तो बेटिंग इसके आने के चांस हैं या नहीं वो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं यूपी UMS की जो बेटिंग पर आधारित हैं। चलिए मैं आपको इसके बारे में पहले ये बताता हूँ कि आपको ज्वाइनिंग के लिए क्या करना होगा। देखिए, ज्वाइनिंग जिसको करनी है, ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर साफ साफ क्राइटेरिया बताया गया है कि 31/1/2024 के सापेक्ष चयनित जो नर्सिंग ऑफिसर के विद्यार्थियों को चयन किया गया था, तो उनके लिए यहाँ पर 8 ऐसी चीज़ चाहिएंगी जो ज़रूरत पड़ेगी उनको। शपथ पत्र, घोषणा पत्र, आश्रितों का घोषणा पत्र, विवाहित और अविवाहित शपथ पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, 2 मूल प्रतिमें यानी कि 2 फोटो कॉपी उसकी, अटेस्टेशन फॉर्म चाहिएगा, संपत्ति विवरण फॉर्म चाहिएगा, NPS फॉर्म चाहिएगा और मानव संपदा कार्मिक पंजीकरण फॉर्म चाहिएगा। अब ये आपको किस प्रकार से मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसका जो है पत्र दिए गए, ये आपको बनवा लेने हैं। ये हो गया आपका शपथ पत्र, घोषणा पत्र, ये हो गया डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, और ये हो गया आपका मैरिटल डिक्लेरेशन हुई या नहीं हुई, उसके बाद में ऑथ ऑफ एलिगेंस हो गया, और ये हो गया आपका चैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। ये अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये आप आसानी से बना सकते हो दोस्तों, और इनके बगैर आपको ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये जो घोषणा पत्र वगैरह हैं जो भी हैं, ये आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं और आपको ये आपको साथ लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात बेटिंग की रही, यूपी UMS के विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा जो भी तैयारी कर रहे थे इसकी, तो यूपी UMS चाहे कोई भी कंडीशन हो उसमें बेटिंग जारी नहीं करता है, ठीक है। जो अब जो कैंडिडेट्स कुछ नंबर से, आधा नंबर से, 1-2 नंबर से रह गए हैं, वो ये ना सोचें कि उनका वेटिंग में नाम आ जाएगा, क्योंकि यूपी UMS की नर्सिंग ऑफिसर की कभी भी वेटिंग जारी नहीं की गई और इस बार भी नहीं की जाएगी। तो आप दोस्तों नेक्स्ट तैयारी करें, आपका सिलेक्शन होगा, आप कुछ नंबर से रह गए, नेक्स्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये नया अपडेट था, बड़ा अपडेट था, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बने रहे हमारे चैनल पर, आपको सारी अपडेट नर्सिंग रिगार्डिंग जो भी रहेगा सबसे पहले बताते रहेंगे।